हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी टाइम से आपका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो आज आपका टेस्ट होगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप बड़ी आसानी से दे पाओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम चतुर्थांश की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, हमें सभी चतुर्थांश की स्थिति पता होनी चाहिए, और किस तरह से हम इनकी स्थिति पता करते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे पास दो तल होते हैं, दो प्लेन होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर तल, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल। दोस्तों, जब ये दोनों लंबवत यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, तब हमें चार चतुर्थांश मिलते हैं यानी फोर क्वाड्रेंट्स मिलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब दोस्तों, ये जो चतुर्थांश हैं, इनकी स्थिति हम VP व HP के आधार पर बताते हैं। किस तरह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे चाहिए पहले चतुर्थांश की स्थिति, तो मैं VP और HP से क्या करूँगा, इसकी स्थिति देखूँगा। VP से इसकी स्थिति क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ये VP के राइट साइड में है। तो दोस्तों, जब VP के राइट साइड में कोई चतुर्थांश में होता है, तो उसको हम बोलते हैं VP के सामने यानी कि VP के फ्रंट में। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो पहला चतुर्थांश है वो VP के सामने है, लेकिन हमें इसकी स्थिति HP से भी लेनी होगी। तो HP से इसकी डायरेक्टली स्थिति आपको दिख रही है कि ये HP के ऊपर है, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये है HP के ऊपर। तो दोस्तों, पहले चतुर्थांश की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, VP के सामने जबकि HP के ऊपर। और दोस्तों, इसी तरह से हम जितने भी चतुर्थांश हैं सभी की स्थिति बड़ी आसानी से बता सकते हैं, HP के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई पहले चतुर्थांश के लिए। अब मैं दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों चतुर्थांश के लिए यहाँ पर स्थिति लिख देता हूँ, और आप भी इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश की स्थिति की बात करूँगा, तो आप देखेंगे कि जो दूसरा चतुर्थांश है वो VP के किस साइड है, वो VP के लेफ्ट साइड है। अब दोस्तों, जो भी चतुर्थांश VP के लेफ्ट साइड में होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है दूसरा चतुर्थांश भी VP के लेफ्ट साइड में है जबकि तीसरा भी, तो इनको हम लिखते हैं VP के पीछे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिहाइंड द VP हो जाएगा यानी VP के पीछे। अब जैसा कि आपको तीसरा और चौथा चतुर्थांश दिख रहा है कि ये HP से नीचे हैं, तो इनको हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कि ये HP के नीचे हैं। तो अब मैं इनकी स्थिति लिख देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश के लिए, तो वो VP के पीछे है यानी लेफ्ट साइड में है, और HP के ऊपर है। तीसरे के लिए अगर हम बात करते हैं, तो VP के पीछे है यानी VP के लिए भी लेफ्ट साइड में है, और HP के नीचे है। और अगर हम बात करते हैं चौथा चतुर्थांश, तो ये VP के सामने है यानी राइट साइड में है, और ये HP के नीचे है। तो दोस्तों, इनका जो आंसर है वो आप बड़ी आसानी से दे पाएंगे। चलिए देखते हैं कि जो हमने क्वेश्चन देखा था उसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, ये है वो क्वेश्चन जिसमें पूछा था पहले चतुर्थांश की स्थिति। तो आप देखेंगे कि जो पहला चतुर्थांश था वो HP से क्या था, ऊपर था, जबकि VP के वो सामने था यानी फ्रंट में। तो दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की सही स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों, बड़ी आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं कि जो तीसरा चतुर्थांश होता है वो अगर हम VP की बात करते हैं, तो VP के पीछे होता है जबकि HP के नीचे होता है। तो आप देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है यानी HP के नीचे और VP के पीछे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ पहला और तीसरा चतुर्थांश मैंने लिया था, आपसे एग्जाम में कोई भी चतुर्थांश के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांश हमेशा खुले होंगे जब प्रोजेक्शन प्लेन को घुमाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पहले से पता होगा कि हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन प्लेन को घुमाते हैं, लेकिन किस प्लेन को घुमाते हैं, केवल क्षैतिज तल को घुमाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाते हैं घड़ी की दिशा में। तो उस स्थिति में क्या पहला और तीसरा चतुर्थांश खुले होंगे, हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये क्या है? ये वर्टिकल प्लेन है। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश है। अब दोस्तों होता क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को यानी कि एचपी को तब तक घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं जब तक कि ये घूमता रहे। तो ये कब तक घूमता रहेगा? ये तब तक घूमेगा जब तक इसे कोई रोक नहीं देता। और इसे रोकेगा कौन? ये वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन इसको यहाँ पर रोक देगा। ये घूमता हुआ यहाँ आएगा और इससे टकरा करके यहाँ पर रुक जाएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो आपका चौथा चतुर्थांश था ये तो बंद हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं। और दोस्तों अगर ये एच पी यहाँ नीचे आया है तो सीधी सी बात है कि इधर जो ये एच पी है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये ऐसे ऊपर जा करके यहाँ टकरा जाएगा, ठीक है, इससे सट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो दूसरा चतुर्थांश है ये भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो जो पहला चतुर्थांश है और जो तीसरा चतुर्थांश है, क्या वो खुले रहेंगे? क्या वो ओपन रहेंगे? तो बिल्कुल हाँ, यानी कि पहला यानी प्रथम और तृतीय चतुर्थांश दोनों के दोनों ओपन रहेंगे जब ये प्रोजेक्शन प्लेन घूमता है, ठीक है। तो जो वहां पर जो कथन था वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा यानी ट्रू होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वह रेखा जो प्रोजेक्शन प्लेन के काटने यानी इंटरसेक्शन से बनती है को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि जब प्रोजेक्शन प्लेन को काटने का क्या मतलब है, इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब है और उससे कौन सी रेखा का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर नॉर्मली इसको हम 2D में समझना चाहें तो बड़ा सिंपल सा होगा कि मेरे पास एक है हॉरिजॉन्टल प्लेन और मेरे पास एक है वर्टिकल प्लेन, जो दोनों क्या करेंगे, सॉरी ये वीपी है, तो ये क्या करेंगे? ये लंबवत एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, ये लंबवत काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो इनका ये वाला पॉइंट है, ये जो जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, यहां पर एक रेखा होती है, रेखा एक्स वाई, उसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं और उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा 2D में कि यहां पर कोई रेखा भी है, मैं आपको 3D में बना के दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि कौन सी वो रेखा है जिसको हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ पर फिगर बनाया है, आपको दिख रहा होगा कि इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन, और ये भी क्या है, वर्टिकल प्लेन, जबकि ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये भी है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दोनों प्लेन ने क्या किया, एचपी और वीपी ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा, लंबवत काटा 90 डिग्री पर। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारा ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी जहां पर काटा है, तो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो रेखा होती है जिसका निर्माण इन दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से होता है, इस रेखा को हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो लेटर एक्स वाई से किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ पाए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेफरेंस लाइन। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि उस रेखा को हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन जो दोनों प्रोजेक्शन प्लेन के इंटरसेक्शन की वजह से बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन रेफरेंस लाइन से रिलेटेड ही है कि रेफरेंस लाइन को अक्सर एक्स वाई से प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या ये कथन सही है या गलत है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है, हम अक्सर एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं रेफरेंस लाइन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्ध्वाधर तल यानी कि वर्टिकल प्लेन वीपी को कहा जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको वीडियो रोकनी है और सोचना है कि वीपी यानी वर्टिकल प्लेन को निम्न में से क्या नाम दिया गया होगा। तो दोस्तों बड़ा आसान सा है, जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सम्मुख तल यानी कि फ्रंटल प्लेन। अब दोस्तों इसको क्यों कहा जाता है सम्मुख तल, या फिर इसको हम और नाम भी दे सकते हैं, सम्मुख की जगह हम इसको बोल सकते हैं सामने का तल, क्यों कहा जाता है चलिए देखते हैं। दोस्तों इसी फिगर पर समझ लेते हैं कि क्यों इसको कहा जाता है फ्रंटल प्लेन। तो दोस्तों अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं इसमें क्या करूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दूं, मैंने माना कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को कोई ऑब्जर्वर है जो यहां से देख रहा है, तो
तो जब इसको ये यहां से देखेगा तो जैसा कि आपको पता है कि इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो इस वीपी पर कहीं बनेगा, वीपी पर यहां कहीं बनेगा, क्योंकि इसको ये आदमी यहां से देख रहा है। अगर मैं टॉप व्यू की बात करता हूं तो टॉप व्यू कुछ इस तरह से बनेगा इस वस्तु का, यानी कि एचपी पर बनेगा, कहीं भी बने। तो हम क्या समझते हैं कि हमारा जो ये वीपी है, इस वीपी पर वर्टिकल प्लेन पर हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। आपको मैं अभी और दिखाऊंगा, फ्रंट व्यू बनता है, जबकि एचपी जो है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, उस पर टॉप व्यू बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए हैं कि फ्रंट व्यू किस पर बनता है, वीपी पर बनता है, और टॉप व्यू एचपी पर बनता है, जैसा आपने यहां पर देखा। अब अगर मान के चलिए मैंने यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वस्तु रख दी, एक ऑब्जर्वर है जो यहां से उसको देख रहा है, ठीक है, तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा इस वस्तु का वो कहां पर बनेगा, आपने देखा कि फिर से ये वीपी पर ही बनेगा, यानी वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। तो हमने फिर से देखा कि इसका फ्रंट व्यू फिर से वीपी पर बना। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाना चाहते हैं तो इसको हमें ऊपर से देखना होगा, तो ऑब्जर्वर कहीं यहां पर बैठा होगा और इस बार ये जो एचपी है ये क्या होगा, पारदर्शी होगा, यानी कि इस तल के पार देख सकता है इस वस्तु को, और ये वस्तु को देखेगा और यहां पर इसका क्या बन जाएगा, टॉप व्यू बन जाएगा। तो हमने देखा कि जो एचपी है उस पर टॉप व्यू बन रहा है और जो वीपी है उस पर फ्रंट व्यू बन रहा है। तो इसी फ्रंट का नाम, फ्रंट को क्या कर दिया, फ्रंटल, फ्रंटल, यानी इसी फ्रंट का नाम उन्होंने फ्रंटल कर दिया, और फ्रंटल के आगे क्या लगा दिया, प्लेन लगा दिया। तो दोस्तों आप समझ पाए कैसे इसका नाम पड़ा फ्रंटल प्लेन, या फिर इसको हम कह सकते हैं सम्मुख तल या फिर सामने का तल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर तल यानी वीपी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार लास्ट टेस्ट में, कि वीपी को हम प्रधान तल यानी प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं, रेफरेंस तल यानी रेफरेंस प्लेन भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी ऊर्ध्वाधर तल को हम प्रधान तल भी कहते हैं, रेफरेंस तल भी कहते हैं, और जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसमें हमने पढ़ा कि उसको हम सम्मुख तल भी कहते हैं, यानी सामने का तल भी कहते हैं। तो आपने देखा कि ऊर्ध्वाधर तल के कितने सारे नाम हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, लेकिन वो एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता नहीं है एचपी से, हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो वीपी से बनता है। तो आपको वीपी पर ज्यादा ध्यान देना है कि वीपी को हम प्रधान तल, रेफरेंस तल, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था यानी सम्मुख तल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निगेटिव क्षैतिज तल, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक क्षैतिज तल तथा पॉजिटिव यानी धनात्मक क्षैतिज तल एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहां पर अपने जो प्लेन होते हैं वो बना लिए, एचपी और वीपी। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो एचपी का प्लेन होता है, ये हम लेते हैं पॉजिटिव। अगर आप लोगों ने मैथ में ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको नॉर्मली पता ही होगा ये क्या है, ये वीपी है, वर्टिकल प्लेन है, और ये भी होता है पॉजिटिव, जबकि ये क्या है, ये एचपी है, लेकिन ये क्या होता है, ये होता है निगेटिव यानी माइनस, और ये क्या होता है, ये माइनस में क्या है, लेकिन वीपी है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये प्लस का वीपी, प्लस का एचपी, माइनस वीपी और माइनस एचपी। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा गया था क्षैतिज तल, माइनस का क्षैतिज तल और प्लस का क्षैतिज तल एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप चाहें तो आप इसको इधर से नोट कर लीजिए, यानी कि इधर से मेजर कर लीजिए तो भी 180 डिग्री ही आएगा, और चाहे आप इसको ऊपर से मेजर करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा। तो इसका तो हम जवाब किसी भी प्रकार से दे सकते हैं कि जो एच माइनस का एचपी होता है और जो प्लस का एचपी होता है उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 180, यानी माइनस का क्षैतिज तल और प्लस का क्षैतिज तल एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि पॉजिटिव ऊर्ध्वाधर तल तथा पॉजिटिव क्षैतिज तल एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। सबसे पहले हमको बताया गया है कि पॉजिटिव वीपी यानी कि पॉजिटिव वर्टिकल प्लेन, और पॉजिटिव ही लेना है हमको
एच पी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो प्लेन बना लेंगे। यह हमने क्या किया, यहाँ पर दो प्लेन बना लिए। ये क्या है, ये हमारा वी पी है और ये क्या है, हमारा एच पी है। तो हमें पॉजिटिव की बात की गई है, तो ये पॉजिटिव वी पी होता है और ये पॉजिटिव एच पी होता है। ये क्या, ये भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पॉजिटिव वी पी और पॉजिटिव एच पी के बीच में यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, जबकि एक एंगल 270 डिग्री का भी है। यानी कि ये क्या बना रहे हैं, ये दो एंगल बना रहे हैं। भाई दो एंगल तो बनाएंगे ही, क्योंकि दोनों लाइंस हैं। अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल कर दें तो दूसरा 360, ऐसे ऐसे अगर हम एक को बढ़ाएंगे दूसरा दूसरे पर भी उसका वैसे ही फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमको क्या करना होगा, अब हमको देखना होगा ऑप्शन, यानी कि अगर हमें ए ऑप्शन में दे रखा है 90 डिग्री, बी ऑप्शन में दे रखा है 270 डिग्री, तो दोस्तों दोनों ही क्या है, करेक्ट आंसर हैं। तो हमें सी ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि ए व बी दोनों, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल इसी प्रकार से हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में कि ए व बी दोनों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को जैसे हमने डिस्कस किया तो कई सारे बच्चों के मन में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन की वजह से। इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि ये एच पी जो है इसको यहाँ रोटेट करा देते हैं और एच पी को यहाँ ले आते हैं। उससे क्या होता है कि पॉजिटिव एच पी और पॉजिटिव वी पी के बीच में आप देखेंगे कि 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। वो दोस्तों इसलिए कि जब हम एच पी को रोटेट कराते हैं तो हम प्रोजेक्शन के टाइम पे उसको रोटेट कराते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से रोटेट नहीं कराते। वो हम कब रोटेट कराते हैं, जब हम प्रोजेक्शन तैयार करते हैं, जब व्यू तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पर ऐसी कोई बात आएगी रोटेट होने वाली। तो रोटेशन की बात सिर्फ तभी आएगी जब हम प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो एच पी जहाँ पर है वहीं पर रखना है, ठीक है, और इस उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निगेटिव क्षैतिज तल तथा निगेटिव ऊर्ध्वाधर तल एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बनाएंगे यदि ऊर्ध्वाधर तल को 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं तब। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो प्लेन बना लिए, वी पी और एच पी, और हमसे क्वेश्चन में बात की गई थी इस बार निगेटिव वी पी के लिए और निगेटिव ही एच पी के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया और हमसे कहा गया था कि वी पी घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तब हमको एंगल बताना था। तो दोस्तों ये अगर हमें निगेटिव की बात की गई है तो ये है निगेटिव वी पी, ठीक है, और ये है निगेटिव एच पी, ठीक है। अब जो वी पी है उसको हमें घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमाना है। तो घड़ी की विपरीत दिशा होती है ये, यानी कि पीछे की तरफ लेके जाना है, उल्टा लेके जाना है। कितना लेके जाना है, 90 डिग्री क्वेश्चन में कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका वी पी है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा वी पी यहाँ आ गया और जो एच पी है निगेटिव वो यहाँ पर आ गया। तो अब अगर आप इनके बीच में एंगल देखेंगे तो चाहे आप यहाँ से एंगल देख लीजिए 180 डिग्री आएगा, चाहे आप यहाँ से एंगल देख लीजिए 180 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। दोस्तों अगर उसमें क्वेश्चन में खुद से कहा गया है कि आपको प्लेन घुमाना है, ऐसे घुमाना है, वैसे घुमाना है, तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 180 डिग्री। अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती कि इसका एक कोण मान के चलिए 120 डिग्री का हो जाता, वो 90 डिग्री नहीं घुमा रहा है इसको, वो कितना घुमा रहा है, मान के चलिए 30 डिग्री घुमा रहा है, ठीक है, ये 90 इस बार हम नहीं ले रहे, वो 30 डिग्री घुमा रहा है। तो ये एच पी जो होगा वो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, जो वी पी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना घुमाया उसने, 30 डिग्री घुमाया, और अगर ये 30 घुमाया है, ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और अगर ये 120 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 240 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, 360 है। तब आपको 120 और 240 दोनों ऑप्शन में देगा या फिर कुछ और कंडीशन देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के आंसर लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, 10 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ सारे के जवाब आपने दिए होंगे वीडियो को रोक रोक करके।
तो दोस्तों, और काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो तो आपको प्रोवाइड करा दूं, और बहुत जल्दी मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो आपका जो भी सिलेबस बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खुश रहो। ठीक है, जय हिंद।